हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है और आराध्या को मैं उठा रही थी कि उठो उठो, और ये एकदम डर गया कि मम्मा क्या कर रहे हैं, और फिर थोड़ी सी स्माइल की। तो चलिए फिर करते हैं दिन की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सुबह हो चुकी है, आज थोड़ी लेट, और बाहर बारिश लगी थी, इतनी अच्छी नींद आई थी क्योंकि शिमला में बारिश हो गई है और मौसम हो चुका है बहुत 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 ठंडा। सुबह से बारिश लगी थी, तो चलिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। चारों तरफ फॉग है और बारिश लगी थी, अभी थोड़ी बारिश होती है। देखिए जो फॉग है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और फॉग है और बारिश लगी थी, अब बारिश बंद हो चुकी है। चलिए फिर अब हम चलते हैं किचन में, और यहाँ देखिए यहाँ है आराध्या जो अभी ब्रश कर रहा है। और चलिए फिर अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं, आज हम देखते हैं क्या बनाते हैं। कटहल की सब्जी भी है, कटहल की सब्जी बनाते हैं, देखते हैं। कटहल है 1 kg, इसका तो ये है कटहल, और भी हम बनाएंगे कटहल। कटिंग है ऐसे पैकिंग में आता है, ये 1/2 kg की पैकिंग है और ये इतनी पैकिंग में आता है, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। ज़्यादा ये तो ऐसे काटना बहुत टफ होता है, तो बस ये पूरा तैयार है। मैं इसको धोऊंगी और फिर लगाऊंगी इसमें छौंका और लगाऊंगी कटहल की सब्जी। तो चलिए फिर देखते हैं, दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाती हूँ मैं। पहले मसाला करना पड़ेगा, लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कैरी करती हूँ कटके की। तो चलिए अब मैंने मसाला तैयार कर लिया है और प्याज मेरा हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन मैंने कूट के रखा है, दरदरा कूटा है, उसको डाल दिया है मसाले के अंदर। और अब तैयारी कर रही हूँ मैं, फटाफट कटहल बनाती हूँ। साथ में मैंने माश की दाल भी बॉईल करके रखी है, उस दाल बना लूँगी, दाल चावल और सब्जी और चपाती बनाऊँगी। और ये देखिए बस अब तैयार हो गया है हमारा, जो लहसुन और मिर्च का पेस्ट है वो भी पक के तैयार हो गया। तो इसमें मैंने हल्दी डाल दी और साथ ही मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर साथ में मैं टमाटर भी काट रही हूँ, काट के रखे हैं, और फटाफट बना रही हूँ। और बस ये देखिए टमाटर मैंने काट लिए हैं, और टमाटर को डाल दूँगी मैं अब इसके अंदर, और अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाती है। थोड़ा सा खट्टापन भी आता है इसमें। एक्चुअली ये पैकेट वाला मैंने सोचा बहुत अच्छा होगा, लेकिन सच में बताऊँ तो ये पैकेट वाला है, लेकिन ये पता नहीं कब से काट के रखा होता है, थोड़ा सा ये पक गया था। जो पक जाता है कटहल वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, फिर थोड़ा सा कच्चा चाहिए, तो ये काफ़ी पक गया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने हस्बैंड को मना की दोबारा मत लेके आना ये पैकेट वाला। हस्बैंड ने भी सोचा होगा कि कब काटेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टफ होता है काटना, तो लेकिन वो टेस्टी नहीं था क्योंकि थोड़ा पक गया था, कब से काट के रखा होता उन्होंने कटहल। तो मैंने कहा कि आप ऐसे ही लेके आना, मैं खुद काट लूँगी, मैं इतना काम कर सकती हूँ खुद भी, तो मैं काट लूँगी, लेकिन ऐसे लेके आना। तो बस ये देखिए अब ये जो सब्जी है, अच्छी बात है। मैं सच में बोल रही थी कि आप 1/2 kg क्यों लाए, आप 1 kg लाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अच्छा किया कि वो 1/2 kg ही लेके आए, नहीं तो अगर 1 kg लाते तो थोड़ा शायद वेस्ट हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा पक गया था और इसमें वो वाला टेस्ट नहीं था जो इसमें नेचुरली होता है, क्योंकि शायद ये पहले से काट के रखा होता है और ये इतना टेस्ट नहीं देता है। तो बस अब मैंने इसमें तड़का लगा लिया है, और ये बात की बात है क्योंकि हमने जब टेस्ट किया तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा था लेकिन उतना टेस्टी नहीं जितने अच्छी कटहल की सब्ज़ी बनती है, इतनी अच्छी नहीं बनी थी। तो बस ये देखिए इस बार मैं एक नए स्टाइल से बना रही थी, छौंका लगा के ही सीधा मैं इसको ढक्कन लगा लूँगी और थोड़ा सा इसको धीमी आँच पे पकने दूँगी, लेकिन इसका मुझे पहले लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें पकने की स्मेल भी आ रही थी कि ये पक चुका है, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद पक के ये अच्छा बन जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। लेकिन हाँ, गंदा भी नहीं बना था, टेस्टी बना था वैसे तो, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस लीजिए हमारी कटहल की सब्जी होती है तैयार, वही एज यूजुअल इसमें तड़का लग गया है। हेलो एवरीवन, तो अब हमारा लंच को तुम आज करो, क्यों
एवरीवन, तो अब हमारा लंच तैयार हो चुका है और ये देखिए त्रिमूर्ति बैठी है यहाँ पे, ये देखिए अभी इनके लिए हुआ है, अभी मैंने नहीं खाया है, ये बोल रहे हमको भूख लगी है। तो ये देखिए क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या खा रहे हो तुम आज बताओ? रायता, मसूर दाल, घी और राइस। और आरवी क्या खा रही है? कटहल। कटहल की सब्जी भी है, दिखा, कटहल की सब्जी है, चपाती, दाल चावल, रायता और माश की दाल है तो घी के साथ। और ये देखिए ये मुंडी नीचे करके बैठी है, ये देखिए। तो क्या खा रही है आसा? कटहल की सब्जी खा रही है और माश की दाल बनी है। और आराध्या के देखिए बाल, देखिए इतने टाइम से बाल कटवाने के लिए हैं तो बाल बिल्कुल इसने ऊपर करके रखे हैं और अभी ये मजा ले रहा है माश की दाल, घी नीचे मत गिराना ना, घी और चावल। अच्छा बना है, टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। तो चलिए फिर इनका लंच तो हो रहा है, अभी मैं भी करती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने अभी नींबू पानी पी के रखा, नींबू पानी पिया था लेट तो फिर मुझे भूख नहीं थी तो इनको मैंने ले दिया है तीनों को, ये त्रिमूर्ति बैठती है खाना खाने के लिए। चलिए अब बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, बारिश के बाद देखिए कितना अच्छा सुहावना मौसम हुआ है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ये जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है ये वाला नव पहाड़ वाला एरिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा है, हर तरफ हरियाली छा गई है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा मौसम है शिमला में। और तभी कहते हैं कि टूरिस्ट लोग क्यों आते हैं शिमला में, इसीलिए आते हैं क्योंकि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है और शिमला में काफ़ी अच्छा मौसम है तो लोग टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है शिमला में आए। और ये देखिए ये रोड दिखाई दे रहा है, ये नव पहाड़ वाला रोड है और ये यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड वाला रोड है जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, ये सामने है यहाँ पे। तो पूरा बारिश ही बारिश है हर तरफ और हरियाली छा गई है और काफ़ी दिनों के बाद अच्छी बारिश हुई, बारिश तो हो रही थी लेकिन उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। तो ये देखिए सुंदर सा नज़ारा है। चलिए फिर व्लॉग को ज़्यादा नहीं बड़ा बनाऊँगी मैं क्योंकि नहीं व्लॉग है तो ज़्यादा उसको खींचना क्या है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।